नमस्कार, मैं पुष्पांजलि केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारा एक यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, जिस पर आप बेगूसराय के जाने माने और उभरते व्यक्तित्व से रूबरू हो सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत कम उम्र में चुनाव जीते और समाज सेवा में लग गए। तो आइए मिलते हैं सुधांशु कुमार उर्फ सट्टू मुखिया जी से। सुधांशु जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग एक युवा को अपने इस नए केवी स्टूडियो के माध्यम से आप लोग एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। बेगूसराय में सभी युवा, हमको हम जब तक देख रहे थे रात, तो हमको लगा कि लगभग सभी युवा यहाँ आ चुके हैं और जो शेष बचे होंगे वो तो आएंगे। इसके लिए मैं विशेष रूप से पूरे केवी स्टूडियो की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते, विशेष रूप से मैं रोशन सर का आभारी हूँ जिन्होंने हमको आमंत्रित करके यहाँ बुलाए, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रोशन सर। सुधांशु जी, मैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ? मुख्य रूप से 2012-13 के आसपास, 12 के आसपास जब हम कॉलेज लाइफ में आए थे, तो उस टाइम मैं जब इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया और कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए हम चाह रहे थे जी। तो उसमें कट ऑफ मार्क्स 85 नंबर से केमिस्ट्री में लिया जा रहा था जीडी कॉलेज में जी। एडमिशन के लिए तो मेरे हमें 83 नंबर था, तो एडमिशन होने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ जी। उसके बाद हम थोड़ा सा पैरवी अप्रोच लगाने का प्रयास किए, उसी माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीति में हमको मृत्युंजय कुमार बीरेश जो है उनके माध्यम से हम जुड़े, और संजोग से मेरा एडमिशन भी हुआ और विदेश मृत्युंजय कुमार विदेश के द्वारा ही हम युवा मोर्चा में अपना काम, भारतीय जनता युवा मोर्चा में अपना काम शुरू किए थे। जब आप राजनीति में आए तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि हमारे समाज में सभी पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी लें, तो आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? उस टाइम जब हम राजनीति में आए तो हम घर से नुका चुरा कर थोड़ा बहुत कॉलेज उलेज में राजनीति में करते थे। धीरे धीरे जब भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए तो परिवार में भी सब लोग जाने, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता ही है परिवार में, क्योंकि रास्ता भटक गया, ये हुआ वो हुआ, परिवार में तो सब लोग बोलते बताते हैं। लेकिन फिर भी सब लोग धीरे धीरे मान गए तो चलने लगा राजनीति, वहीं से शुरू हो गया। तो आप 2012-15 आप भारतीय युवा मोर्चा के जिला मंत्री रहे, तो उस दौरान आपके क्या क्या कार्य हुए? उस टाइम तो जब हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो उस टाइम जो हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष थे नीरज रवीन जी, तो उनके द्वारा हम लोग को जहाँ भी जो भी रूप में बेगूसराय विधानसभा का प्रभारी बना देना या जो भी होता था, तो हम लोग वहाँ सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, तो काम करने में वहाँ अच्छा लगा और अच्छा ढंग से काम भी किए। जैसा कि पता चला है कि 2016 में आपने रजौरा से मुखिया पद का चुनाव लड़ा और उसमें आपकी जीत भी हासिल हुई, तो इस सफ़र के बारे में बताएं, इस जीत के सफ़र के बारे में बताएं। 2016 में जब हम ये भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीति करते करते पंचायत में धीरे धीरे हम पहले बाहर रहा करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे जी। तो जब हम गांव आए, मैट्रिक हम बिनदपुर हाई स्कूल से किए थे, उसके बाद इंटर हमने यहाँ मंझौल MS कॉलेज से इंटर पास किया जी। उसके बाद 2013 में आ गए थे यहाँ GD कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद हम लोग फिर युवा मोर्चा में काम किए। बेसिकली लगा ऐसा कि बैठ के यहाँ जब राजनीति में ही है, राजनीति करना ही है, तो टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो चुनाव नज़दीक था तो हम कुछ मित्र के साथ बैठे हुए थे, तो मन में आया जो भाई चुनाव लड़ा जाए, तो कुछ लोग मना किए, घर में भी बहुत दिन तक गुस्सा रहा, पूरे परिवार गुस्से में रहे, पिताजी गुस्से में रहे जो नहीं नहीं लड़ना है, चुनाव उनाव नहीं लड़ना है जी। क्योंकि हम जिसके जिन लोगों के विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे जी। वो लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड सही नहीं था। अच्छा। और वो 15 वर्ष से हमारे पंचायत में मुखिया पद पे थे वो जी। तो उनका थोड़ा सा
बैकग्राउंड सही नहीं था, इसलिए घर में भी मतलब बार बार मना किया जा रहा था कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन फिर भी चुनाव लड़े और 2016 में अच्छा मतों से जीत प्राप्त हुआ, सभी लोगों का सहयोग रहा। तो अब ऐसा जब आप मुखिया पद पे के उम्मीदवार बन गए, चुनाव जीत लिया, तो उसके बाद आपके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? उसके बाद तो परिवार में सभी ठीक ठाक रहे, सबको अच्छा लगा, अभी चलो कहीं तो सेट हो गया, अपने राजनीति करियर में ही सेट हुआ तो ठीक है। उसके बाद हम लोग को परिवार से बहुत सहयोग भी मिला, मेरे माता पिता या मेरे और फैमिली के जो भी लोग थे सभी लोग बहुत सहयोग किए, इसके बाद आने के बाद मुखिया पद जीतने के बाद जी। तो रजौड़ा के मुखिया जब बने आप, तो उस टाइम अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या किया? रजौड़ा पंचायत में लगभग पंद्रह माह रहे हैं मुखिया पद पर जी, और उसमें हमको जहाँ तक संभव हो सका, जितने लोग लगभग 228 लोगों का हमने पेंशन से संबंधित कार्य करवाया था, उसके बाद लगभग हर एक वार्ड को हमने टच किया, वहाँ जो भी विकास का काम हो सका, चाहे वो PCC सड़क का निर्माण हो, गली नली का निर्माण हो, जो भी हो सका हमने 15 माह में किया। वर्ष 2017 में आप मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष बने जी, तो उस दौरान आपके क्या क्या कार्य हुए? वर्ष 2017 में जब हम लोग मुखिया के चुनाव जीतने के बाद ही हम लोग ये दिमाग में सेट कर लिए थे कि हम लोग को मुखिया संघ के चुनाव ही लड़ना है अध्यक्ष का पद पर जी। तो संयोग से ऐसा रहा कि सब लोग हमारे प्रखंड में 25 पंचायत हैं बेगूसराय सदर प्रखंड में, और 25 पंचायत के 25 मुखिया 4 जनवरी 2017 को हमको निर्विरोध मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया था। और मुखिया संघ के अध्यक्ष चुनने के बाद हम लोग जिला में भी बहुत मुखिया संघ जिला हम लोग चाह रहे थे कि मुखिया संघ जिला अध्यक्ष का भी चुनाव बहुत जल्दी हो, उसमें भी अपना भागीदारिता निभाते। संयोग ऐसा हुआ जो हम लोग उससे पहले ही मुखिया पद से हमको हटना पड़ा, तो उसमें मुखिया संघ के लिए मुखिया संघ का जब अध्यक्ष के रूप में हम चुने गए तो उसमें भी हम उस टाइम वार्ड के लिए वार्ड का जो योजना आया था जो अब मुखिया लोग नहीं अब वार्ड के द्वारा काम किया जाएगा जी। तो उसमें सरकार के जो नीति था उसके खिलाफ में हम लोग बहुत सारा आंदोलन वगैरह किए थे। सुधांशु जी, 22 अगस्त 2017 को आपको बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा मुखिया पद से हटाया गया, तो इसके पीछे क्या कारण था? मुख्य रूप से जब हम चुनाव निर्वाचित होकर आ गए थे मुखिया का, तो उसके बाद कुछ गाँव में ऐसे लोग पड़ गए मेरे पीछे जो उनको लगा कि ये क्यों मुखिया बन गया, इसलिए उन्होंने मेरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जब दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग में, तो उसके आधार से मेरा 21 साल उम्र नहीं पूर रहा था जिस टाइम मैंने चुनाव लड़ा था 2016 में, और मुखिया चुनाव लड़ने के लिए 21 साल का उम्र अनिवार्य है जी। और मेरा यही 20 साल 6 मंथ लगभग पूर रहा था, और चार पाँच मंथ के लिए हमको मुखिया से पद से हाथ धोना पड़ा, और विपक्षी जो हमारे थे वो राज्य निर्वाचन आयोग में अपना पत्र दाखिल किया, जो मेरे विरोध में पत्र दाखिल किए, वहाँ से जांच हुआ, जांच के बाद हमको 22 अगस्त 2017 को मुखिया पद से निर्हित कर दिया गया। तो जब आपको मुखिया पद से हटाया गया तो आप स्वाभाविक है न्यायालय का दरवाजा खटखटाए होंगे, निश्चित, तो उस बारे में आप कुछ बताएं। जब मुखिया पद से हमको 22 अगस्त 2017 को राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के द्वारा हमको हटाया गया जी। तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट में अपना अपील की, अपील होने के बाद लगभग 26/6/2018 को जी। एक हाई कोर्ट का आदेश आया कि चुनाव होने के बाद अभी गिनती नहीं की जाएगी, कोर्ट के अगले आदेश तक इंतजार करना पड़ेगा जी। तो फिर हम लोग अगले आदेश तक रहे, दोबारा उपचुनाव हुआ, उसमें नॉमिनेशन किए, लेकिन चुनाव का मतदान का मतगणना के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया जी। तो सुधांशु जी, ये तो चलिए आपकी पीछे की बातें थी, अब आप राजनीति में अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? बस अभी जनता का जैसे पंचायत में सेवा कर रहे थे उसी प्रकार अभी भी सेवा कर रहे हैं जी। और जब आप राजनीति से जुड़ गए तो फिर आगे राजनीति करना है, दूसरा कोई तो है नहीं ऐसा, और अच्छा है,
समाज में सामाजिक काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है जी। निश्चित रूप से फिर जनता का सेवा करेंगे आगे, जो जनता का निर्णय होगा उस पर हम लोग। सुधांशु जी, जैसा कि पता चला है कि 2018 में आप पुनः चुनाव हार गए, तो पता चला कि इसके पीछे मुस्लिम का वोट आपको नहीं पड़ा है, तो क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं या फिर कोई और कारण है जो आपको हार का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुस्लिम विरोधी है नहीं है। थोड़ा सा ये हुआ कि माहौल बना दिया गया विपक्षियों के द्वारा, कुछ ऐसा माहौल बना दिया पंचायत में जिससे ये दिखने लगा कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे तो मुसलमान को तकलीफ होगी। हमारे पंचायत में लगभग 1600 वोटर मुस्लिम के हैं, और उसके बाद वो माहौल बनाने के बाद उस मतलब वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं हुए, और मेरे पीछे डायरेक्ट ये एलिगेशन कहिए या जो भी कहा जाए वो लगा कि ये प्रचार किया गया कि ये संघ से है, बीजेपी से है, इसको वोट दोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ऐसा एक माहौल तैयार करके मेरे विपक्ष में ऐसा माहौल तैयार किया गया जिससे कि हम उस वार्ड से हमको बहुत नम मात्र के वोट आए जिससे कि हम चुनाव हार गए थे। सुधांशु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके विपक्षी ने मुस्लिम जो भी समुदाय है उनको भड़काया गया, तो 2021 में जो अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप मुस्लिम समुदाय के लिए क्या करेंगे? अगर 2021 में अनारक्षित सीट रहता है, चुनाव लड़ने का भगवान की कृपा से चुनाव लड़ने का कहीं अवसर मिलता है, निश्चित रूप से ऐसे भी हम अभी चुनाव 2018 के चुनाव के समाप्त होने के बाद भी और पहले भी हम सभी मुस्लिम लोग को, सभी मुस्लिम भाइयों को बता रहे थे ऐसा कुछ नहीं है जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी से हम लोग को समाज में मिलजुल के रहना है, एक साथ रहना है। तो आगे भी जो चुनाव होगा 21 में, अगर संजोग से भी चुनाव लड़ने का मौका मिला तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और ये देखने को मिला है कि 5 साल हमने रहा, 15 महीना हमने रहा, ये पूरे 5 साल रीजन कटने वाला है, तो इसमें मेरे नाम से कोई मुस्लिम विरोधी या कोई किसी ढंग का कोई बात विवाद ऐसा कोई नहीं आया है। तो इसलिए हम प्रयास मेरा ये है कि हम पे जो दाग लगा है निश्चित रूप से वो दाग छुड़ाने का प्रयास करें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए हम लगातार सभी मुस्लिम भाइयों से संपर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत किन्हीं के साथ नहीं है। और निश्चित रूप से जो काम हम पूरे पंचायत के लिए करना चाहते हैं और उसमें निश्चित रूप से हम मुसलमान के लिए भी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को हम दो नज़रिया से देख रहे हैं, बिल्कुल दोनों को एक ही नज़रिया से हम देख रहे हैं और आगे भी ऐसा ही देखते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधांशु कुमार, रजौड़ा के निवर्तमान मुखिया, केवी स्टूडियो का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है। आप उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो धांशु जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार रोशन सर का अपने प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो कि युवाओं के प्रति ऐसा एक स्टूडियो का बनाकर युवाओं को अपना आगे बढ़ने का एक अवसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।